बहुत समय पहले नागपुर के घने जंगलों में एक जादुई हीरो का पेड़ हुआ करता था। उस पेड़ पर फल की जगह हीरे लगते थे, लेकिन जब भी कोई लालची पक्षी उन हीरो को तोड़ने के लिए उस पर चढ़ता तो वो उसी वक्त हीरे में बदल कर उसी पेड़ की डाल पर लटक जाता था। उस जंगल में काफी दूर एक गांव था। उस गांव में टुनटुनी नाम की एक चिड़िया रहती थी। वो बहुत ही सुंदर समझदार चिड़िया थी। फिर कुछ दिनों के बाद कालू नाम के कौए से टुनटुनी की शादी तय हो जाती है और घर वाले शादी की तैयारी में लग जाते हैं। लेकिन फिर एक दिन टुनटुनी के होने वाले ससुर कड़कनाथ सेठ वहाँ आते हैं। देखिए, मैं आपसे दहेज की बात करने आया हूँ। मुझे दहेज में 20 तोले सोना, एक कार और 5 लाख रुपए नगद चाहिए। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 91x6 कितने होते हैं। ये सुनकर टुनटुनी के घर वाले हैरान हो जाते हैं। लेकिन मैं तो एक गरीब किसान हूँ, इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम शादी के दिन दहेज का इंतजाम कर लो, वरना मैं अपने बेटे की शादी किसी और अमीर घर में कर दूंगा। ये सुनकर टुनटुनी के पिताजी घबरा जाते हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। सारे गांव में शादी के कार्ड बच चुके हैं। अगर मेरी बेटी की शादी टूट गई तो मेरी नाक कट जाएगी। ये सब मुझे नहीं पता। अगर तुमने शादी के दिन दहेज नहीं दिया तो मैं अपने बेटे की बारात लेकर वापस चला जाऊंगा। इतना कहकर कड़कनाथ सेठ वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, अब मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा? तभी टुनटुनी का भाई गोलू चुड़ा अपने पिता से कहता है। आप फिक्र मत कीजिए पिताजी, मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगा। मैंने सुना है यहाँ से बहुत दूर जंगल में एक हीरो का पेड़ है। मैं उस पेड़ से बहुत सारे हीरे तोड़कर लाऊंगा, फिर हम टुनटुनी की शादी धूमधाम से करेंगे। इतना कहकर टुनटुनी का भाई जंगल में चला जाता है और काफी समय चलने के बाद वो उस जादुई पेड़ के पास पहुंच जाता है। लेकिन जैसे उस पेड़ पर लगे हीरे तोड़ने लगता है कि तभी वो एक हीरे में बदल जाता है और उस पेड़ के साथ चिपक जाता है। दूसरी तरफ टुनटुनी अपने भाई की फिक्र में बहुत परेशान हो रही थी। अरे 2 दिन हो गए लेकिन अभी तक भैया लौट कर नहीं आए। मुझे उन्हें जाकर ढूंढना होगा। मैंने सुना है वो जंगल बहुत ही खतरनाक है। उस जंगल में जो भी गया है वो आज तक कभी लौट कर वापस नहीं आया। फिर अगले दिन टुनटुनी अपने भाई को ढूंढने के लिए जंगल पहुंच जाती है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे वो जादुई हीरे का पेड़ दिखाई देता है। टुनटुनी जोर जोर से चिल्लाकर अपने भाई को आवाज देने लगती है, लेकिन काफी देर के बाद वो थक जाती है और उसी पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। टुनटुनी को रोता देख वो पेड़ पर रहने वाली भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा कहती है। अरे तुम कौन हो ए चिड़िया, और यहाँ क्या कर रही हो? तुम इतना रो क्यों रही हो? कोई परेशानी हो तो बताओ मुझे। टुनटुनी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा को अपने भाई के बारे में बता देती है। मेरा भाई तुम्हारे पेड़ पर लगे हीरे तोड़ने आया था, लेकिन अब उसका कहीं पता नहीं लग रहा। देखो टुनटुनी, यहाँ आने वाले सभी लालची पक्षियों को मैं हीरे में बदल कर 1 साल के लिए अपनी टहनियों पर टांग देती हूँ। और तुम्हारा भाई भी उस दिन मेरे पेड़ पर लगे हीरे तोड़ने आया था। मैंने उसे भी हीरा बनाकर अपने पेड़ पर टांग दिया। लेकिन मेरा भाई कोई लालची नहीं है। मेरी शादी करवाने के लिए उसे पैसों की जरूरत थी, इसलिए ये हीरा हासिल करने के लिए वो यहाँ आया था। प्लीज तुम उसे छोड़ दो। टुनटुनी की बात सुनकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा को उस पर बहुत दया आती है और वो उसके भाई को छोड़ देती है और टुनटुनी से खुश होकर उसे ढेर सारे हीरे देती है। उसके बाद दोनों भाई बहन वापस आ जाते हैं। फिर शादी वाले दिन कालू अपने पिताजी के साथ बारात लेकर टुनटुनी के घर आ जाता है। समधी जी, आपने दहेज के पैसे इकट्ठे कर लिए हैं ना? चलिए जल्दी से मुझे सारे पैसे दे दीजिए, वरना ये शादी तोड़ दूंगा। लेकिन तभी कालू कौआ कहता है। नहीं नहीं पिताजी, दहेज लेना और देना गलत बात है। मैं टुनटुनी के पिताजी से दहेज नहीं लूंगा। ये सुनकर टुनटुनी बहुत खुश हो जाती है। फिर उसके बाद कालू और टुनटुनी की शादी हो जाती है। टुनटुनी वो सारे हीरे अपने घर वालों को देकर अपने ससुराल चली जाती है और हंसी खुशी अपने पति के साथ रहने लगती है।
एंटोनी का परिवार रामपुर जंगल से मसूरी के जंगल में शिफ्ट हो जाता है, जहां वो सभी एक सुनसान घर में रहते हैं। लेकिन वो घर खूबसूरत होने के साथ साथ डरावना भी था। वाओ, हमारे इस न्यू हाउस के आसपास कितनी हरियाली है। दिस इज सो मच ब्यूटीफुल। मैं तो अभी फोटोज क्लिक करूंगा। वाकई में गोलू बेटा, बहुत ही सुंदर घर है। लेकिन यहाँ आसपास पक्षी नहीं रहते क्या? कितना सन्नाटा है यहाँ पर। ऊपर से हम जंगल के बगल में ही रहते हैं, कहीं जंगली जानवर तो नहीं? नहीं पापा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और हमारे आसपास पक्षी रहते हैं, लेकिन ये पहाड़ी इलाका है ना, तो घर थोड़ी दूर पर है। और देखिए, मंदिर ना सही, लेकिन हमारे घर के पास ही एक चर्च भी है। ये घंटी वहीं बजी है। तभी टुनटुनी गार्डन एरिया में लगा हुआ झूला देखती है। वाओ, ये कितना प्रीटी झूला है। अब मुझे पार्क जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि पार्क खुद मेरे घर में ही है। चलो गोलू, इस झूले पर बैठते हैं। तभी बंटी कबूतर उन दोनों को रोकता है। रुको, अरे बच्चों, ये देखो कितनी धूल मिट्टी है इस झूले पर। हरी काका थोड़ी देर में आते ही होंगे, वो यहाँ मसूरी में ही रहते हैं। फिर रात में तुम दोनों खाना खाकर जितनी मर्जी इस झूले पर खेलो, अभी नहीं। पूरा परिवार फ्रेश होकर गार्डन एरिया में आते हैं। फिर टुनटुनी और गोलू झूला झूलने लगते हैं। गोलू, बहुत मजा आ रहा है ना? कुछ देर बाद दोनों झूले को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन झूला रुकने की जगह और भी तेज हो जाता है। दोनों बच्चे डर जाते हैं। मम्मी पापा, ये झूला रुके नहीं रहा, बचाओ हमें। जैसे तैसे बंटी झूले को रोक लेता है। फिर उसी रात जब बबली अपने कमरे में सो रही होती है, तभी उसकी खिड़की से एक भूतिया चिड़िया की आत्मा झांक रही थी, जिसे देखकर बबली डर जाती है। भूतिया चिड़िया की आत्मा, बबली आओ ना, झूला झूलू, बबली आओ ना मेरे पास। ये सुनकर वो बेहोश हो जाती है। अगले दिन जब बबली को होश आता है, तो वो सब कुछ भूल जाती है। अब रोज रात में झूला हिलने की आवाज आती। एक रात टुनटुनी गार्डन में जाती है। ये झूला कैसे झूल रहा है? कोई बैठा भी नहीं है इस पर। चलो मैं झूला झूल लेती हूँ, नींद तो नहीं आ रही है। कल संडे भी है, स्कूल की छुट्टी है। तभी अचानक से झूला एकदम जोरों से झूलने लगता है, और झूले का लोहा पूरा गर्म हो जाता है, और टुनटुनी का पंख जल जाता है। मम्मी पापा बचाओ मुझे। सभी घर वाले दौड़कर बाहर आते हैं। तभी उनकी नजरों के सामने टुनटुनी झूले पर से गायब हो जाती है। ये देख सभी हैरान होकर पूरी तरह से घबरा जाते हैं। तभी जमीन में से भूतिया टुनी चिड़िया की आत्मा बाहर निकलती है और उन पर वार करने लगती है। अब तुम में से कोई भी बच नहीं पाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इस झूले पर झूलने की? ये झूला मेरा है। तभी गोलू बड़ी चालाकी से चर्च जाकर क्रॉस और बाइबल ले आता है और बोलता है, इन द नेम ऑफ जीसस आई कमांड यू टू लीव फ्रॉम हियर। हे बुरी आत्मा, तू चली जा यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। 5 साल पहले भी मुझे और मेरी बेटी को उन दरिंदों ने मारा था। अब फिर से मैं खत्म होना नहीं चाहती। ये जगह मेरी है, ये झूला मेरा झूला है। तू मंत्र पढ़ना रोक दे, वरना तेरा अंजाम बुरा होगा। लेकिन गोलू रुकता नहीं है। फिर भूतिया टुनी चिड़िया की आत्मा अपनी शक्तियाँ खो बैठती है और जलकर राख हो जाती है। तभी टुनटुनी फिर से झूले से लौट आती है और झूला जमीन में वापस चला जाता है। एक रात एक गांव में भूतिया चिड़िया की आत्मा आती है। वो देखती है कि सभी गांव वाले बहुत गरीब हैं। किसी के यहाँ तो शाम का खाना भी नहीं रहता। बच्चे भूखे पेट सो जाते हैं। उन्हें देखकर उसे उन बच्चों पर दया आ जाती है। वो सोचती है, क्यों ना मैं इनकी परेशानी को दूर कर दूँ? हो सकता है अच्छे काम करने से मुझे भी मुक्ति मिल जाए। ये सोच कर भूतिया टुनी चिड़िया की आत्मा हवा में उड़ने लगती है
और गांव में पैसों की बारिश शुरू कर देती है। गांव में पैसे बरसते हुए देखकर गांव के सभी पक्षी खुश हो जाते हैं। गांव वाले बहुत सारा पैसा लूटते हैं। गांव वालों के घरों की छत पर भी पैसे ही पैसे होते हैं। भूतिया टूरी चिड़िया की आत्मा पूरे गांव को अमीर बना देती है। गांव के सभी पक्षी भरपेट भोजन करने लगते हैं। आसपास के गांव वाले इस गांव को अमीर देखकर उससे जलने लगते हैं। उसके बाद गांव में चोर आकर चोरियां करने लगते हैं। गांव वाले चोरों से परेशान हो जाते हैं। गांव वालों को परेशान देखकर वो सोचती है, मेरे पैसे बरसाने की वजह से इस गांव में चोरियां होनी शुरू हो गई हैं। जब ये पक्षी गरीब थे तो कोई भी इन्हें पूछने नहीं आता था। अब जब ये अमीर हो गए हैं तो चोरों ने इन्हें सताना शुरू कर दिया। अब मैं चोरों को पकड़कर उन्हें सजा दिलवाऊंगी। फिर रात में चोर चोरी करने के लिए मुखिया कड़कनाथ के घर पहुंचते हैं। जैसे ही घर में जाते हैं, भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा बाहर से दरवाजा बंद कर देती है। चोर चोर, कोई पकड़ो चोर को। गांव के पक्षी उसकी आवाज़ सुनकर जाग जाते हैं। अरे, ये चोर चोर चिल्लाने की आवाज़ मुखिया के घर की तरफ से आ रही है। फिर पक्षी दौड़कर मुखिया के घर की तरफ जाते हैं। मुखिया का भी पूरा परिवार जाग जाता है। फिर सभी पक्षी उन चोरों को पकड़कर उन्हें खूब मारते हैं और पुलिस के हवाले कर देते हैं। पुलिस उन्हें जेल में डाल देती है। उसके बाद गाँव में चोरी की घटनाएं बंद हो जाती है। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा गांव वालों को खुशहाल देखकर बहुत ही खुश होती है। लेकिन गांव वाले सोचते हैं, आखिर पैसा बरसाने के पीछे किसका हाथ है? चोरों के आने के बाद दरवाजे पर कुंडी किसने लगाई? दरवाजे पर कुंडी मेरे परिवार के किसी भी सदस्य ने नहीं लगाई। मुझे तो लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति हमारे पूरे गांव की मदद कर रही है। हमें उस शक्ति की पूजा करनी चाहिए, चाहे वो जैसी भी हो, जिस रूप में हो, वो हम लोगों का भला सोचती है। हाँ, आखिर उस अदृश्य शक्ति के बारे में हम लोगों को कैसे पता चलेगा? तभी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा वहाँ आ जाती है और कहती है, इसी गांव में रहने वाली टुन्नू चिड़िया की बेटी हूँ मैं। कुछ सालों पहले स्कूल से आते समय एक बाज ने आम के बगीचे में मुझे मार दिया था। उसके बाद मैं भूतिया चिड़िया की आत्मा बन गई। मैं हमेशा अपने गांव के भले की बात सोचती हूँ और गांव में मैंने ही पैसे बरसाए हैं। चोरों को पकड़वाने में भी मेरा ही हाथ है। मैंने ही कुंडी लगाई थी। वो दृश्य आत्मा जिसके बारे में तुम लोग चर्चा कर रहे हो, वो मैं ही हूँ। उसकी ये बातें सुनकर सब पक्षी उसका धन्यवाद करते हैं और उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए एक पूजा करते हैं। उसके बाद भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है।